आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और लगन वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। तो आपके सामने ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इस कुंडली में देखिए चंद्रमा को हमने दो जगह प्रदर्शित किया है। ये चंद्रमा आपके राशि स्थान के चंद्रमा हैं, साथ ही जो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं ये आपके गोचर के चंद्रमा हैं। तो वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए ये वीडियो है। दोनों ही जातक जिनका राशि या लगन वृश्चिक हो वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके लिए आपके राशि और लगन स्थान के स्वामी मंगल के बारे में। देखिए मंगल का गोचर इस महीने में आपके अष्टम स्थान में होगा, जहां ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब मिथुन राशि में गोचर करने की वजह से यहां आपको कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है, कोई भयंकर आपको चोट लग सकती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू रह सकता है और आपको आग से खतरा हो सकता है। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी परेशानियां पैदा करने वाला है जो अचानक होती हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो गई या कहीं अचानक आग लग गई। ऐसी जो घटनाएं हैं अचानक जो होती हैं उनमें मंगल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और मंगल क्योंकि गर्म है तो ये आपको आग से या ब्लड से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना होगा। और मंगल का मिथुन राशि में गोचर रहेगा इस महीने में, तो निश्चित ही आपका यहाँ पर आपके इन लॉज से भी संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं। मंगल यहाँ से हालांकि आपके धन में वृद्धि जरूर करेंगे, तो अचानक धन भी ये आपको दिलाते रहेंगे। साथ ही साथ ये आपके सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं। सिक्स्थ हाउस के स्वामी होने की वजह से एक तरह से ये आपको यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी क्रिएट कर रहे हैं। पर मुख्य रूप से यहाँ आपको सतर्क रहना ही होगा। कोई ऐसी घटना आपके होती है किसी के भी साथ तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। अब मंगल यहाँ पर एक तरह से ये मृत्यु भाव में आकर बैठे हैं, तो यहाँ के जो भी कार्य होंगे उनको ये बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे। तेज़ करने की वजह से जो भी कुछ घटित होगा वो बहुत जल्दी पल में घटित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। अब मंगल की सबसे पहले यहाँ से दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो कोई प्रॉपर्टी का गेन करवा सकते हैं ये, और लाभ स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने से लाभ में ज़रूर आपके वृद्धि होगी, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको आपके शत्रुओं से भी फायदा हो सकता है। आप जितनी भी बाधाएं आएंगी उनसे अच्छी प्रकार से निपट भी लेंगे। इसके अलावा मंगल जो कि सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, तो सेकेंड हाउस को देखने से वाणी पर ये पूरा प्रभाव डालेंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी आक्रामकता हो सकती है। हो सकता है आपके संबंध अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे बिगड़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने संबंध बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। इस दौरान आपके खान पान में भी कुछ बदलाव आ सकता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों को इस समय ग्रहण कर सकते हैं भोजन के रूप में। तो आपको चाहिए कि आपको हेल्थी खाना ही खाना चाहिए। यहाँ से मंगल का जो अगला एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके थर्ड हाउस में पड़ेगा। अब थर्ड हाउस में पड़ने से आप काफ़ी मेहनत करने वाले होंगे, भले ही यहाँ शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, पर आप में साहस बहुत ज़्यादा होगा, तो आप किसी भी बाधा से निपट लेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है और कुछ मामलों में ये एक ख़राब स्थिति भी बन रही है मंगल की। तो हम कह सकते हैं मंगल के लिए आपको सावधान जरूर रहना होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस के स्वामी हैं आपके लिए गुरु। तो गुरु का जो गोचर रहेगा इस महीने में वो आपके लिए कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब कुंभ राशि में गुरु ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहाँ पर वो आपको सर्वोत्तम रिजल्ट दे सकते हैं। इस समय में ये घर से संबंधित कार्यों के लिए तो आपको अच्छा रहेगा ही रहेगा। आपकी माता जी के साथ संबंध भी बहुत बेहतरीन रहेंगे। इस दौरान घर में कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों का यहाँ ज़्यादा घटित होना हो सकता है। गुरु के फोर्थ हाउस में होने से आपके सुख में वृद्धि करेंगे, घर में सुख की वृद्धि होगी और ये हाउस जो आपका फोर्थ हाउस है इसकी वृद्धि जरूर होगी। तो इस वजह से आपको इस हाउस से संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके उनमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब गुरु जो कि आपके पंचमेश भी हैं, तो आप अपना पूरा ज्ञान अपने फोर्थ हाउस के कार्यों में जरूर लगाएंगे। आप अपने काफ़ी दिमाग से काम में लेंगे और इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बहुत अच्छे से आप निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप घर के कार्यों को अच्छे से मैनेज भी करते हुए नज़र आएंगे। तो गुरु का ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए और इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, धन लाभ बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अगर घर पर ही रहकर कार्य करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता है।
तो गुरु का ये गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने से यहाँ पर इनका जो एस्पेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से मंगल का जो यहाँ आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होगी और आपको अष्टम भाव के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है और कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा गुरु देखेंगे आपके 10th हाउस को। अब 10th हाउस को देखने से जो लोग जॉब में बदलाव का इंतजार कर रहे थे उनके लिए जॉब में बदलाव हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर आप संघर्ष कर रहे थे जॉब के लिए, जॉब लग नहीं रही थी, अब आपकी जॉब निश्चित रूप से लग सकती है। तो गुरु यहाँ पर एक रिलीफ देने वाले हैं आपको अपने कार्य में और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। गुरु जब तक कुंभ में रहेंगे तब तक आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपने कार्य से। तो आपके अच्छे संबंध रहेंगे जिन लोगों के साथ भी आप काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि जो आपका 10th हाउस का स्वामी है वो भी उच्च का होकर 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा जॉब का योग बनेगा। तो वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए इस मई के महीने में कोई अच्छी जॉब लग सकती है। इसके अलावा कोई बहुत अच्छा प्रमोशन का चांस आपका बन सकता है या आपका यूँ कहें कि प्रोफेशनल जो करियर है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और जो भी रिजल्ट होगा उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। इस दौरान आप अपने ज्ञान को प्रयोग कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन को प्रयोग कर सकते हैं, आपकी जो भी स्किल आपके पास है उसको अपने कार्य के लिए आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब शनि की। देखिए शनि का जो ट्रांजिट है आपके लिए, मकर में ही शनि रहेंगे और शनि हालांकि 23 मई से वक्री हो जाएंगे तो इनका वक्री का प्रभाव होने से आप थोड़ी मेहनत कम कर पाएंगे बाद में और आपके भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, थोड़े उदासीनतापूर्ण संबंध रह सकते हैं। अब 3rd हाउस में शनि है तो ये मेहनत को कहीं ना कहीं रोकेगा, कुछ ऐसे कार्यों को रोकेगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो। पर यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि आपके लिए पड़ेगी वो अच्छी रहेगी और कुल मिलाकर रिजल्ट आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो शनि का जो वक्री होना है वो आपको अगले महीने में ज़्यादा इफेक्ट करेगा, पर ये महीना शनि के दृष्टिकोण से देखें तो आपका सिंपल ही रहेगा, यानी जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा ये शनि की जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर भी पड़ेगी जिसकी वजह से कोई संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, एजुकेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और प्रेम संबंधों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जो समय है थोड़ा सा शनि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है और आपको ये प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में मेहनत ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके लिए सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर 4 मई से वृषभ में होगा तो लगभग ये मान लीजिए मई में वृषभ राशि में ही शुक्र रहने वाले हैं। इसके बाद ये मिथुन में भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु के साथ बुध और शुक्र की युति भी बनेगी। ये युति आपको बिजनेस में बहुत ही अच्छी रहेगी। इस दौरान शुक्र के सप्तम में राहु के साथ होने से आपका किसी और से अट्रैक्शन हो सकता है, किसी और से आपका शारीरिक संबंध यहाँ बन सकता है और यहाँ मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको और वो जो दिक्कत होगी उसकी वजह से आपका अट्रैक्शन या आपका जो भी लगाव है किसी और से हो सकता है। अब जो पुरुष हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर बाधित हो सकता है। एक तो वैसे भी यहाँ राहु ट्रांजिट कर रहे थे, दूसरा ऊपर से शुक्र और आ गए और बुध भी यहाँ पर आ गए तो इस वजह से क्योंकि बुध हैं वो यहाँ पर अष्टमेश हैं, अष्टमेश होने के साथ साथ ये लाभेश भी हैं तो बिज़नेस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। बिज़नेस के लिए आपको कोई बेहतरीन आइडिया मिलने ही वाला है इस गोचर में, लेकिन ये मैरिड लाइफ में अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर राहु और बुध की युति और शुक्र की युति तीनों साथ होने से आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेगा और अगर आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, अगर आप एक स्त्री हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं बट दिक्कत ज़रूर आएगी। तो हम कह सकते हैं ये जो युति बनी है 3 ग्रहों की ये बिज़नेस के लिए, खुद के बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छी है। पार्टनरशिप अगर करते हैं तो सोच समझ कर ज़रूर करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र राहु के साथ होने से बिगड़ जाते हैं, इस वजह से यहाँ शुक्र बिगड़ जाएंगे और ये आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं तो 12वें स्थान के स्वामी होने की वजह से आपका किसी के साथ अफेयर होना या किसी की तरफ अट्रैक्शन होना निश्चित है। साथ ही साथ
उससे आपके शारीरिक समान बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा, यानी सप्तम भाव यहाँ पर मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बाधित होने वाला है। इसके साथ ही साथ बुध यहाँ पर हैं तो हम कह सकते हैं बुध से आपको काफ़ी लाभ होगा, बुध से काफ़ी लाभ होगा क्योंकि बुध आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे, साथ ही आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा या तू-तू मैं-मैं हो सकती है। अब बुध है वो अष्टमेश है तो आपको बिजनेस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है इस गोचर में, और कहीं ना कहीं आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा, या नए नए आइडियाज़ सोचने पड़ सकते हैं। ये आइडियाज़ आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, खुद ही आप ऐसे आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे। तो शुक्र सप्तमेश यहाँ पर होने के साथ साथ ये 12वें स्थान के स्वामी हैं तो आपको फॉरेन टूर भी हो सकता है, ये संभावना भी बनती है, साथ ही पार्टनर को कोई हेल्थ की दिक्कत आ सकती है। तो आपकी यहाँ पर मैरिज में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो इसको आपको संभालना होगा इस मंथ में। अब हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे बुध की। तो बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी होकर ये राहु के साथ गोचर कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। साथ ही ये तीनों ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर रोमांटिकपन देंगे और आपके पार्टनर को भी ये काफ़ी रोमांटिक बनाएंगे। इसके अलावा आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। केतु यहाँ पर हैं तो केतु के होने से आप स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे और कई कई बार आप बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, आप स्पिरिचुअल ही ज़्यादा रहना चाहेंगे। पर यहाँ पर तीनों ग्रह जब प्रभाव डालेंगे तो निश्चित ही आप में परिवर्तन होना तय है। अब बुध का सप्तम भाव में ट्रांजिट करना लाभ स्थान का स्वामी होकर ये बिजनेस से लाभ जरूर आपको करवाते रहेंगे। अब देखिए शुक्र यहाँ से जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो शुक्र अष्टम भाव में 29 मई से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बट मैरिड लाइफ से संबंधित जैसे दिक्कत पहले चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। तो बुध और शुक्र के बारे में हमने यहाँ पे बात की, अब बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस के स्वामी चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुरुआत में सेकेंड हाउस में रहेगा तो ये शुरुआत से ही धन लाभ को दिखाता है, फैमिली से अच्छे संबंध को दिखाता है, अटैचमेंट को दिखाता है, वाणी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन मंगल का प्रभाव रहेगा इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा आपको ज़रूर आ सकता है, तो फैमिली वालों के साथ कोई भी विवाद ना करें। अब हम अगर आगे बढ़ें तो बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य 10th हाउस के स्वामी हैं और सूर्य 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे जहाँ ये आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। अब 6th हाउस में सूर्य का होना आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा घमंड दिखा सकते हैं, अपने साथ वालों के साथ भी आपकी कई बार नहीं बनेगी, पर यहाँ का जो सूर्य है आपको कोई बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई हाई लेवल की एग्ज़ाम में ये आपको क्लियर करवा सकता है और निश्चित ही फ़ायदा देने वाला है जॉब में। पर ये आपकी यहाँ की जितनी भी बाधाएं हैं 6th हाउस की जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने वाला है और आपको कोई प्रमोशन का अच्छा मौका मिल सकता है, जॉब में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, कोई नया जॉब मिल सकता है, तो लंबे समय से जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ से आपको सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही यहाँ से गुरु का बहुत ही अच्छा शानदार सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो सूर्य के इस गोचर की वजह से शुरुआत से ही आपको लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा अपने जॉब में। लेकिन सूर्य का यहाँ होना ये दिखा रहा है कि किसी के साथ विवाद भी होना तय है और जितनी भी बाधाएँ आपको आएंगी, चाहे आपको शत्रु बाधा हो या आपका कोई केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, तो इन सब से आप जरूर निपट लेंगे। अब ये सूर्य कोई ऐसी सेवा में आपको दिखाता है जहाँ बहुत बड़ा सरकारी पद हो, तो आपको ये ऐसा पद कोई मिल सकता है, सरकारी पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ सूर्य के यहाँ होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपने कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जहाँ सब लोग आपको फॉलो करें या आपसे सलाह लें। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का जो गोचर होगा ये 14 मई तक ही रहेंगे तो 14 मई तक का बहुत ही अच्छा स्वर्णिम समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, इसके बाद आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेगी और आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा घमंडी होने लगेंगे, साथ ही साथ आपका पार्टनर भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। तो सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं किसी भी पार्टी के साथ मिलकर,
तो ये बहुत अच्छा मौका होगा आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का। इसके बाद हम बात करते हैं, लगभग देखिए हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु के बारे में आपने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, और यहाँ का राहु आपको पता ही है कि ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, साथ ही मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस मंथ में लगभग हमने चर्चा कर ली है, अब कुछ ऐसे दिनों की बात जरूर कर लेते हैं जो आपके लिए थोड़ी विशेष परेशानी वाले रहने वाले हैं। तो जब चंद्रमा का ट्रांजिट आपके सिक्स्थ हाउस में होगा 9, 10 और 11 मई को, इस दौरान थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद वो फिर से खड़ा हो सकता है। सूर्य का गोचर चल रहा है आपके सिक्स्थ हाउस में, इस वजह से आपकी कहासुनी हो सकती है अपने कार्यस्थल पर, अपने साथ काम करने वालों के साथ, साथ ही जॉब को लेकर आपको मेहनत बढ़ जाएगी, आप अपना रूटीन बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पुरानी कोई बीमारी है वो फिर से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके लिए, जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे जेमिनी में यानी मिथुन राशि में, तो 14, 15 और 16 को, इस दौरान आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, मन काफ़ी परेशान रहेगा, आपका मन पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। इस समय में कोई भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आप ना लें जिससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे लिब्रा में तो 23 और 24 को ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी, हेल्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस दौरान आपको फॉरेन से जुड़े हुए कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहने से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी निर्णय लेंगे 23 और 24 मई को वो बहुत ज़्यादा गलत जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपके, जो भी ट्रांजिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।